हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। एंड ये जो वीडियो है मेरा पहले का एक वीडियो है, आपने देखा होगा, विच इज़ कॉल्ड हाउ टू अनलिश द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड उसी के बेस पे ये एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ आज। एंड ये वीडियो का नाम है द 3 मोस्ट पावरफुल टिप्स टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो आई एम श्योर जो आज मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूँ वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। एंड अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त वे में चेंज होगी और बहुत ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। सो आई एम श्योर अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, जो लास्ट टिप देखेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुलझ सकती है। जो भी एरिया में आपको सक्सेस पानी है आपकी लाइफ को लेके, वेल्थ हो, हेल्थ हो, स्टडीज़ हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी गोल हो, वो आप इस 3 मोस्ट पावरफुल टेक्निक से अचीव कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये टिप्स कौन कौन सी है। फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। कैन यू इमेजिन? यस। और इसलिए अगर हम हमारे ब्रेन को मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं सो हमें वो थॉट्स को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, जो ज्यादातर सक्सेसफुल लोग करते हैं। सो ये डायरेक्शन कैसे दें और हमारे थॉट्स को कॉन्शियसली हम अपने गोल्स को या अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए कैसे लेकर जाए, उसकी ये टेक्निक्स है। सो जो नंबर 1 टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ, एंड दैट इज आपको एक विजन बोर्ड बनाना है। यस फ्रेंड्स, विजन बोर्ड क्या होता है? विजन बोर्ड, विजन बोर्ड मैं अगर आपको समझाऊँ तो एक ऐसा बोर्ड जहाँ आपके कुछ गोल्स लगे हैं, आपके लाइफ को लेके कोई गोल है, आपका करियर को लेके कोई गोल है, रिलेशनशिप के है, या आपको हेल्थ को लेके कोई गोल है, आपको कोई कार्ड चाहिए, आपके पॉजिटिव थॉट्स वहाँ पे लिखे हैं, और वो सारी चीज़ें आप आपके उस बोर्ड पे रखते हो। हो सकता है आपका बिजनेस का गोल कुछ और हो सकता है आपके घर के अंदर आपका जो बोर्ड लगा वो कुछ और हो, लेकिन जब हमारे सामने ये विजन बोर्ड होता है तो वो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ हमें यू नो, हम उससे मोटिवेट होते हैं, हम देखते हैं उसको कि यस ये चीज़ हमें करनी है। सो यस, हम इंस्पायर होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं अगर हमारे सामने ऐसा विजन बोर्ड हो। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपना ऐसा एक विजन बोर्ड बनाएं जो आपके सामने हो, आपके मोबाइल के अंदर हो, आपके लैपटॉप पीसी के अंदर हो, आप जहाँ जाओ वहाँ पे आपका वो विजन बोर्ड दिखना चाहिए, जिससे आपके थॉट्स को एक डायरेक्शन मिले कि आपको ये चीज़ों पर ही फोकस करना है लाइफ में। सो पहले आप क्लियर होने चाहिए हो कि आपका विजन क्या है, एंड उसके बारे में थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, एंड देन आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इंटरनेट पे जाके आप नो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा बॉडी चाहिए लाइक ऋतिक रोशन तो वो स्टिकर चिपका सकते हैं वहाँ पे, उसका मुंह उठा के अपना मुंह लगा सकते हैं। कोई अच्छी कार पसंद है वो आप वहाँ पे रख सकते हैं, वहाँ पे अपना ड्राइवर की जगह पे है ना, ड्राइवर सीट में अपना फोटो रख सकते हैं। तो ये होने से आप और मोटिवेट होंगे, ये होने से आप और ज़्यादा इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, आपको और ज़्यादा डायरेक्शन मिलेगा आपके थॉट्स को। सो ये था नंबर 1 टिप, दैट इज विजन बोर्ड। द सेकंड टिप इज यू हैव टू विजुलाइज। यस फ्रेंड्स, आपको विजुलाइज करना है। विजुलाइज क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपका विजन बोर्ड आपको बनाना है, और विजन बोर्ड में आपने बहुत सारे यू नो गोल्स लगा है, आपके थॉट्स लगा है, तो वो रेगुलरली जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेस की तरफ वो लेके जाएगा, आपको वो इंस्पायर करेगा। लेकिन वो देखना कैसे है? एक तो हम हमारी आंखों से देख रहे हैं, और उसके बाद जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, या जब हम रात को सोने जा रहे हैं, या हम कोई भी टाइम पे जब हम अवेलेबल हैं, हमारे पास कुछ टाइम है, हम अपनी आंखें बंद करें, हम अपने गोल्स को विजुलाइज करें, हम फील करें कि वो गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। डेफिनेटली हम वो फील करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो गाड़ी पसंद है तो हम फील करें वो गाड़ी की नई जो फ्रेग्रेंस फील करे। कोई नई गाड़ी जब हम लेते हैं या गाड़ी में बैठते हैं नई गाड़ी में, तो वो प्लास्टिक होता है, उसकी नई कुछ यू नो लेदर की या सीट्स की स्मेल होती है, जो फ्रेग्रेंस होती है उसको हम फील करें। सो इससे हम और ज़्यादा प्रोसेस में जाएंगे, हमारा माइंड और ज़्यादा हमें यूज़ करेगा, हमारे एफर्ट्स को यूज़ करेगा, हमें कहीं ना कहीं से ऐसे थिंकिंग आएगी, ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो वो सारे प्रोसेस को, जो हमारे गोल्स है, अगर हमें फिट होना है तो फिट होने के लिए हमें यू नो सुबह जल्दी उठने के लिए, अगर हमारे पास एक टारगेट है, हम विजुलाइज कर रहे हैं कि हमारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाए, तो सुबह फिट होने के लिए हमें वो मोटिवेट करेगा, हमारा विजुलाइजेशन शक्ति हमारे माइंड के अंदर जाके वो हमारे थॉट्स को रीवायर करेगी,
और हम जल्दी से वो सारी चीजों पे काम करना चालू कर सकते, हम अंदर से मोटिवेट होंगे। जनरली दो चीज होती है, हमें कोई घर वाला या बाहर वाला कोई मोटिवेट करता है, लेकिन जब हम विजुलाइज करेंगे, जब हमारे माइंड में वो वीडियो चलेगा, तो हम खुद मोटिवेट होंगे वो काम करने के लिए, वो गोल्स कंप्लीट करने के लिए। आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जिनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद मोटिवेट होते हैं, वो खुद इंस्पायर होते हैं और उनका गोल, उनका डायरेक्शन एकदम फिक्स होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जाने या अनजाने वो अपने विजन को देख रहे होते हैं, वो विजुलाइज कर रहे होते हैं। सो मेडिटेशन एक चीज होती है, तो हम आंखें बंद करें, थोड़ा सा डीप ब्रीथ ले, और जब हम अल्फा लेवल पे चले जाए, जब हम थोड़े से हमारे वैसी अवस्था में आ जाए कि जहां हम बहुत शांति, हम बहुत पीस फील कर रहे हैं, तब हमारे गोल्स को हम विजुलाइज करें। और ऐसा करने से फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपके जो थॉट्स है वो एक राइट डायरेक्शन में जाना चालू कर देंगे, एंड आपकी जो आपके जो एफर्ट्स है वो कम एफर्ट्स में आपको रिजल्ट्स ज़्यादा दिखने लगेंगे। द थर्ड टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड दैट इज अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होते हैं? अगर मैं मेरी लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो मॉडर्न जमाने के मंत्र। यस फ्रेंड्स, लेकिन अफर्मेशंस कैसी चीज़ है कि हमें जो चीज़ को, हमें अपने आप को अगर बेटर करना है तो वो हम अपने आप को बेटर करने के लिए यूज करें। एंड जनरली जो अफर्मेशन होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होने चाहिए। अगर हमें, अगर फिटनेस चाहिए, अच्छा बॉडी चाहिए, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं मोटा नहीं हो रहा। हमें क्या चाहिए, हमें क्या सोचना है, हमें फिट होना है, तो हमें ये बोलना है कि मैं फिट हो रहा हूँ, मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ। सो ऐसे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेशन होंगे, सो हमारा जो माइंड है वो और फोकस्ड होगा, वो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा उस चीजों पे। सो जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना है। कभी ये नहीं बोलना है कि हमारा झगड़ा नहीं हो रहा, मतलब फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ है तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हमारा झगड़ा नहीं होता। इंस्टेड हमें बोलेंगे कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हम एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। सो इस तरह के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या जो प्रेजेंट में जो हो रहा है ऐसा फील करके अफर्मेशन अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारे अफर्मेशंस वर्क करेंगे। एंड जनरली हम अगर अफर्मेशन रख रहे हैं तो 3 या 4 अफर्मेशंस एक महीने के लिए यूज करें, राइट? उसके बाद हम चेंज करें, हम रेगुलर बेस पे चेंज ना करें अफर्मेशंस को, हम रेगुलर बेस पे 3 या 4 अफर्मेशन बोले। सो ये था अफर्मेशन का पावर, और मैं खुद मेरी लाइफ में अफर्मेशंस यूज करता हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलता है। ये जो टिप्स मैंने आपको बताई है वो मेरे माइंड पावर की मैं वर्कशॉप में बताता हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को ये 3 चीज़ें प्रैक्टिकली वहाँ पे करवाता हूँ, एंड उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंज आता है। सो आई एम श्योर ये टिप्स जो मैंने आपको आज दी है, ये 3 पावरफुल टिप्स अगर आप भी अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, सो आई एम श्योर कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा चेंज आएगा। कंटेबुलसली चेंजेस देखे हैं मैंने लोगों की लाइफ में, मेरी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में भी आ सकता है। और अगर आप कोई अफर्मेशन मुझसे पूछना चाहते कैसे लिखे, या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस चीज़ को लेके, कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस लिख सकते हैं, आपका फीडबैक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर से करना, एंड यस मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना एंड मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर व्यूइंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।